और आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास दिन था, क्योंकि मैंने स्टार्ट की थी अपनी यात्रा जम्मू कश्मीर, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पुंछ, वहाँ का एक छोटा सा गांव जो कि जलास के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी मैंने अयोध्या धाम तक। और मेरा बैग वगैरह पैक था, सुबह हो चुकी थी, शुरुआत बस करनी थी हमने होटल से अयोध्या तक कैसे पहुंचा जाए। और इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। तो नींद काफ़ी थी, नींद को थोड़ा सा दूर भगाने के लिए मैंने अपने लिए एक चाय का कप मंगवाया, इसके साथ शुरुआत होती है व्लॉग की। हाँ जी गाइस, तो अभी का क्या है कि मैं अपना बैग पैक कर रहा था, मतलब जो भी सामान वगैरह मेरा बाहर पड़ा था, और मुझे उसमें से ये गिफ्ट मिला है, जो कि मुझे अभी याद आया कि एक भैया थे दिल्ली में, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा था। भैया अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो इतना प्यार आप सबकी तरफ से मिल रहा है मैं बता नहीं सकता यार, ये काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए। तो अभी फिलहाल बैग पैक करते हैं, तो उसके बाद का आपको दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हो, आपका भाई भी जो है वो एकदम बढ़िया है। अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने रूम से, जस्ट मैं बाहर आया हूँ, बैग वगैरह मैंने निकाल लिए क्योंकि हमें चेकआउट करना है भाई। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ से हमें भैया जैसे कि बता रहे हैं, भैया यहाँ से बस पकड़ के जाना पड़ेगा सिविल लाइन्स जाना है, वहाँ पर बस स्टैंड है, तो वहाँ से हमें पकड़नी है भाई गाड़ी। तो आगे की कार्रवाई जो है, जहाँ पर जा रहे हैं हम आज, कहते हैं ना भाई एक उम्मीद लेके आए थे, कहाँ से आपको पता, ये 1500 किलोमीटर दूर मैं निकला था जम्मू कश्मीर की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, आज यहाँ पे हमारा जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए, कुछ ही पल रह गए, कम से कम बस दो मतलब 3-4 घंटे का, उसके बाद हम सीधा आपको जो है वो लाइव दिखाई देंगे अयोध्या से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो पहले हमने नीचे जाना है रिसेप्शन में, वहाँ जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी कर रही है, उसके बाद निकलते हैं बाहर। और अब बैग देख सकते हैं मेरे पीछे, फिर से वो 20 kg का बैग मेरे पीछे लग चुका है जो कि कल भी भाई इसकी वजह से ना मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है, अभी तक ये शोल्डर्स मेरे इतने दर्द हो रहे हैं मैं बता नहीं सकता, फिर भी मिरर देख के मैं इसलिए रुका हूँ। तो अभी हम अपने रूम से आ चुके हैं नीचे, भैया आइए अभी यार, सभी ब्लॉक में सभी आएंगे मेरे। तो अभी जहाँ मैंने स्टे किया था उस होटल का मैंने नाम नहीं बताया, पिछले ब्लॉक में बताया होगा, मुझे खुद भी याद ही है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, क्या नाम है होटल होटल प्रयाग। तो सच बताऊं तो कल से हम यहाँ पे ठहरे और होटल तो काफ़ी बढ़िया है, बट यहाँ के जो स्टाफ है काफ़ी कॉपरेट किया इन्होंने हमारे साथ। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख के कभी भी प्रयागराज वाली साइड आ रहे हैं तो ज़रूर इस होटल में आए विजिट करें। तो अभी हम भैया से पूछेंगे, पूछ लिया है मैंने, अभी हमें जाना है बस स्टैंड वाली साइड, वहाँ से गाड़ी पकड़नी है और सीधा जो है वो अयोध्या के लिए। तो बने रहिए भाई के साथ। सो गाइज, ये है वो होटल प्रयाग होटल, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ ही है। एक बार अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको अंदर ही मिल जाएगा। रेस्टोरेंट चेक करवा देते हैं एक बार, है ना। सो गाइज, ये रहा यहाँ का रेस्टोरेंट, और ये रहे यहाँ के भैया, ये आपको जरूर यहाँ पे मिलेंगे, है ना भैया। तो यहाँ से हमने अपने लिए ले लिया है रिक्शा। ओहो, उसने रहा, एक मिनट, मुझे पहले बैग उतारना पड़ेगा, बैग काफी बड़ा है ना मेरा, देख रहे हो मेहनत। हाँ जी, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल सर, आज सेकंड डे हमारे, मिलेंगे राम मंदिर अयोध्या में, वहां से लाइव करेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या एक्साइटेड है आप राम मंदिर को देखने के लिए, अयोध्या पहुंचने के लिए? एक जम्मू से, एक गुजरात से, एक दूर से आए, एक जम्मू वाला और एक गुजराती, दोनों जुड़ चुके हैं और दोनों जा रहे हैं भाई आज राम मंदिर, राम जन्मभूमि यानी अयोध्या, जय श्री राम। और गाइस, ये हर जगह आप देख रहे हैं श्री राम के, जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, मतलब की कह सकते ना यहाँ पे भी काफी लहर देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो होगी भाई यूपी। तो यहाँ से कुल 160 किलोमीटर, ये देखिए कितने खूबसूरत मतलब लगाएंगे, ये देखिए अभी फ्लैग वगैरह लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नींद हमारी अभी तक सही तरह नहीं खुली थी, बस स्टैंड पहुंचे, सोचा एक कप चाय का और पी लेते, फिर यहाँ से हमें बस पकड़नी है,
फिर सीधा अयोध्या के लिए निकलना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चलिए जय श्री राम। सो गाइस ये चाय जो है सच में काफ़ी ज़बरदस्त वाली चाय है, देख सकते हैं बन किस पे रही है भाई, कोयले पे। तो गाइस अभी हम बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं और हमें जो है वो काफ़ी टाइम के बाद अयोध्या की जो है ये बस मिल चुकी है। अभी हम इस पे जाने वाले हैं अयोध्या तक। भैया यहाँ से कितना टाइम लगेगा पाँच घंटे का सफर है अभी, वो हमने जो अपना तय करना है वो तय करना है इस बस पे। अभी फिर से बैठ के हालत खराब होने वाली है, फिर भी यार जय श्री राम। तो चलिए बैठते हैं बीच में और ये बैग लगा लगा के देख सकते हैं कितना भारी है। और फाइनली जी हम अभी बस पे बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप बस कुछ सवारी और रह गई है, फिर बस चलने को तैयार है। गाड़ियों की लग चुकी है रेस, ये देख सकते हैं ये भैया भी भगा रहे हैं काफी। भैया रेस के चक्कर में हमें मत मरवाइयो क्योंकि हाँ जी गाइस। तो अभी हमारी गाड़ी रुकी थी एक कुछ चाय पानी के लिए, लगभग यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि अयोध्या से अभी हम हैं लगभग 80-85 किलोमीटर दूर हैं अभी। तो ये गाड़ी जाने वाली है यहाँ से 20-25 किलोमीटर और सुल्तानपुर नाम की एक जगह है वहाँ तक। वहाँ से हो सकता है कि हमें जो नेक्स्ट स्टेशन तक वो गाड़ी चेंज करनी पड़े। फिलहाल थोड़ी भूख भी लगी है, देखते हैं खाने को क्या मिलता है यहाँ पर, आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने भैया से ले लिए हैं दो कूपन, जो कि भाई यहाँ पे चाय और उसके साथ समोसा और चना, क्योंकि मुझे भूख लगी। भैया दो कूपन दीजिए मुझे, बताया अच्छा ऑनलाइन दो बताए। तो गाइस हमने अपने लिए ले ली है कूलर चाय अभी, जो कि काफ़ी बढ़िया है पीने में, और सच में सर्दी में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और मैंने आपको दिखाता हूँ कि साथ क्या लिया है मैंने, साथ मैंने लिए हैं भाई अपने लिए समोसा और चने, और ये आ गई मेरी चाय। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। समोसा बढ़िया है बट जो तीखा थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, तो मैं मिर्ची कम खाता हूँ। और इसके साथ चाय, सुल्तानपुर। और यहाँ से जो है अयोध्या की जो दूरी है वो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर। अभी यहाँ से जो है हमें वो गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, बस स्टैंड जाना है अभी। अभी यहाँ का पता भी नहीं है भाई बस स्टैंड कहाँ पे है, तो पकड़ते हैं गाड़ी फिर सीधा चलते हैं अयोध्या की यात्रा जो है अपनी शुरू करते हैं। देखिए यार घर मत बैठिए, यहाँ तो बोर्ड भी लगा पड़ा है भाई, चलो चलो अयोध्या। हाँ जी गाइस, तो अभी की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर, और ये आप देख सकते हैं भाई बैठे हैं रिक्शा में, मेरे साथ अपने और भाई भी हैं। कहाँ से हम? यहाँ झारखंड बोकारो। झारखंड से हैं भाई, भी व्लॉगिंग करते हैं यार, क्या नाम है? सौरभ फ्यूचर वाला, सौरभ चैनल का नाम है। अगर वीडियो पसंद आया तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हाँ वीडियो पसंद आया तो भाई को सब्सक्राइब करो। और यहाँ से हमने अपने लिए ले लिया है रिक्शा, रिक्शा हमें छोड़ेगा यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर तक। आगे का जो डिस्टेंस है वो लगभग बच जाएगा 40-45 किलोमीटर, देखते हैं वो कैसे तय करवा दे। तो गाइस अभी हमने कर लिया अपने लिए भाई ये रिक्शा, और ये भैया हमें एक शॉर्टकट रोड से ले आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड भी नहीं है भाई, ये देखिए। मगर कसम ली है कि अयोध्या जाना तो जाना है, किसी तरह में जाना है, पैदल जाना पड़े साइकिल में जाना पड़े जाना अयोध्या। देखिए देखिए भाई निकल गया जा रहा है वाला रिक्शा, यहाँ पे बंद हो गया क्योंकि हमने भैया पहले कहा था 5 बंदे और बंदे हो चुके 6, ओवरलोडिंग हो चुका है हमारा रिक्शा। चार बोल के एक रिक्शे में 6 बंदे बैठ गए भैया के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जय जय श्री राम।
ये हम रिक्शा करके आए थे और रिक्शा की बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है। अब यहाँ से देखते कोई हमें रिक्शा पकड़ना और सीधा जाना है भाई अयोध्या, तो जाके रहेंगे चाहे वो हमें 10 किलोमीटर तक छोड़े चाहे 15 छोड़े। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट रिक्शा कहाँ से मिलता है, आगे भी छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यहाँ पे दूसरा रिक्शा चाहिए जो जुटे ये लेके जाएगा हमें 12 किलोमीटर दूर तक, है ना। सही बात है, सही बात है। 12 किलोमीटर से फिर हमें रिक्शा चेंज कर रहे हैं, सही बात है, मान लीजिए बात। मतलब के 4 रिक्शा चेंज कर रहे हैं पड़ेंगे, ये भी सही बात है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये आप देख सकते हैं साइकिल में यात्रा करके। भैया कहाँ से आए हो आप? छत्तीसगढ़ रायगढ़ बलिया से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 800 किलोमीटर। अरे भाई आप देख सकते हैं 800 किलोमीटर दूर से ही ये भाई लोग आए हैं। तो भैया कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? 8 दिन हो गए आज। 8 दिन आप साइकिल में ही यात्रा कर रहे हैं, क्या बात है यार। बोलो जय श्री राम। कर चुका है तीनों, ठीक है भैया। चलिए आप, आपकी यात्रा मंगल में जाए। जय श्री राम। हाँ जी गाइस, तो अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 5:13 हो चुके हैं। और मैं सच बताऊं अयोध्या से अभी हम 30 या 35 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम यहाँ से भी आगे गए थे बट वहाँ क्या है कि भाई बंद कर दिया गया है, ठीक है। हर एक रोड, हर एक रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती कल नरेंद्र मोदी जी और भी सभी जो है वो आ रखे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जो भी हैं भाई, क्योंकि आपको पता है 22 जनवरी है कल। तो इंटर तो हम भी होना चाहते थे अयोध्या में, फिर भी हम अभी लगभग यहाँ से आए होते हैं आधा घंटा लगेगा। तो हमें वहीं से थोड़े आगे से वापस आना पड़ा, यहाँ पे स्टे करना पड़ा होटल लेके, क्योंकि आगे वहाँ कुछ सुविधा वगैरह तो है नहीं। तो अभी कल का वेट करेंगे, देखते हैं क्या अपडेट रहती है कल की, आपको भी दिखाएंगे और खुद भी। तो देखते हैं भाई कब हम पहुँचते हैं राम मंदिर, और आपकी दुआ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, राम जी की कृपा से यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। अब आगे भी सब सही होगा, दर्शन होंगे अच्छी तरह होंगे। बाकी जय श्री राम, बने रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ, आते रहिए। बाकी लव यू ऑल, सपोर्ट करना ना बोले।